हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रिएटिव फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं। अगर आप भी इस प्रकार से क्रिएटिव फ़ोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखिए। आज का जो फ़ोटो एडिटिंग हम करने वाले हैं लाइटरूम फ़ोटो एडिटिंग ऐप के अंदर करने वाले हैं। अगर आप में लाइटरूम फ़ोटो एडिटिंग ऐप नहीं होगा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अपना लाइटरूम ऐप ओपन कर लेंगे। जैसे दोस्तों लाइटरूम ऐप ओपन होगा, आप यहां से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फोटो को यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी फोटो को एडिटिंग करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे दोस्तों ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा या फोटो ऑल फोटो में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ ऑल फोटो में आप जो भी फोटो ऐड करेंगे एडिटिंग करने के लिए वो यहाँ ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद दोस्तों क्या करना है, जो भी फोटो ऐड हो गया है उसको एडिटिंग करने के लिए फोटो वाला फोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ एडिटिंग का ऑप्शन सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाना है और ऑटो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों ऑटो वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक मतलब जो भी एडिटिंग होगा थोड़ा बहुत ऑटो हो जाएगा यहाँ। उसके बाद से दोस्तों यहाँ क्या करना है, आपको लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। लाइट वाला ऑप्शन पे जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे आपके यहाँ बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, ये एक्सपोजर कॉन्ट्रेस्ट हाईलाइट। थोड़ा दोस्तों इसको क्या करना है, हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, यहाँ हाईलाइट को बढ़ा लेना है और थोड़ा एक्सपोजर को घटा लेना है, एक्सपोजर को थोड़ा सा घटा लेना है और हाईलाइट को बढ़ा देना है। जैसे तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से कॉन्ट्रेस्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है, यहाँ कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ दोस्तों देख सकते हैं मिक्स वाला ऑप्शन आ रहा है, मिक्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ ग्रीन कलर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से इसका जो ह्यू है उसको पूरा बढ़ा के इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों इसका सेचुरेशन से थोड़ा सा घटा लेना है। उसके बाद से दोस्तों फिर से दूसरा कलर वाला जाएंगे, ये येलो कलर पर जाएंगे। जैसे ये येलो कलर पर क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा इंक्रीज कर लेंगे, मतलब बढ़ा लेंगे। उसके बाद से सेचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ भी इंक्रीज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है, आपको ये चला आना है ये वाला कलर में, ठीक है। ये वाला कलर में आने के बाद थोड़ा सा इसका ह्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, सेचुरेशन को माइनस कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के उसके बाद से दोस्तों आपको सामने और सारा ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो अगर इफेक्ट डालना चाहते हैं तो इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, यहाँ क्लियरिटी को बढ़ा लेना है। उसके बाद से बिगनेट को थोड़ा सा इनेबल कर लेना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद से यहाँ डिटेल्स वाला ऑप्शन आ जाता है, पर डिटेल्स वाला ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है, ऑप्टिक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। ऑप्टिक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रिमूव ये दोनों को इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ एक और मतलब ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसके बाद से मैनुअली सिलेक्ट फोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है, यहाँ नॉन वाला जो ऑप्शन दे रहा है ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद से दोस्तों यहाँ नाइकॉन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ मॉडल वाला में जो जाइएगा उसके बाद से यहाँ देख सकते हैं नाइकॉन AF नाइकॉन 50mm जो दे रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके दोस्तों बैक आ जाना है यहाँ से, यानी ओके कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से बहुत ही क्रिएटिव फोटो क्रिएटिविटी देखने को मिल जाती है, बहुत ही स्मार्ट या मतलब बन जाता है फोटो। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन फोटो एडिटिंग हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं आपको मैं दिखाता हूँ बिफोर और आफ्टर, यहाँ देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर में कितना का अंतर है, कितना का डिफरेंट है। तो इस प्रकार से आप अपना फोटो को क्रिएटिविटी बना सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।